तो अभी मैं आ रखी थी सगाई में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कल आ गए थे हम यहाँ सगाई में अपने जेठो लोगों के घर पे, और अभी तो गांव वालों ने कीर्तन कुर्तन करके सब लोग खाना मतलब थोड़ा नाश्ता नुस्ता हल्का फुल्का खा के चले गए हैं घर पे, और मैं आ रही हूँ अपने जेठो जी लोगों घर के ऊपर। यहाँ पे है मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर, और दीदी जी भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं, और यहाँ पर भी और दीदी लोग भी हैं। इधर आओ आप लोग ना, और ये दीदी लोग भी हैं, कीर्तन से आ गए हैं घर पे, और अभी इन्होंने चाय पानी भी पी लिया है, नाश्ता पानी भी खा लिया है। क्या क्या खाया आपने उधर मेहंदी में? हमने चाउमीन खाया, चाय खाई है, और कचौड़ी खाई है। चाय खाई मत बोलो, चाय पी है, चाय पी बोलो, चाय पी है। नहीं नहीं कहीं चाय चबाई तो नहीं? नहीं चबाई है, चाय पी है, और वो भी खाया, क्या बोलते छोला पूरी, छोला पूरी भी खाया, चाउमीन भी खाया, और छोला पूरी खाया। भाई लोगों को गैस नहीं होती है, जो प्रदेश में रहते हैं बाहर है वो बोलते हैं हमको गैस होती है। हमको तो नहीं होती गैस, हम नाच गाना कर लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, गैस नहीं होती। हां नाना, यो बात ये भी के लेके कुछ भी खाना तली ची घर में 25 जन काम आदमी चिंता काम पर 25 जन है ना, और क्या, यही गांव की खासियत है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ खास बात बताना चाहूंगी, यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे इसी रोड पे आगे जाके है कार्तिक स्वामी का मंदिर, और दीदी लोग कुछ बोलेंगे उसके बारे में। है दीदी, कार्तिक स्वामी का मंदिर 24 मतलब 12 मास खुला रहता है, और जाते रहते लोग, हमेशा बाहर के लोग आते रहते और जाते रहते हैं वहाँ पे दर्शन करने। हम लोग भी जाते रहते हैं वहाँ पे दर्शन करने, भगवान जी के कार्तिक स्वामी के दर्शन करने, और बाकी दूर दूर से आते हैं वहाँ पे बाहर के, जैसे दिल्ली पंजाब बेंगलोर इधर के लोग सारे यहाँ यात्रा सीजन में पर्यटन आते रहते हैं यहाँ पे कार्तिक स्वामी। तो आप लोग भी आइए, जो भी मेरा ब्लॉग देख रखा देख रहा होगा, देखिए कार्तिक स्वामी में आके जरूर कीजिए। दाएं हाथ पे आना है ना, इधर है ना, मतलब पुल क्रॉस करके दाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ सीधे आगे आके, और यहाँ पे मेरे भांजे का होम स्टे भी है, और ये आप लोग यहाँ पे मतलब मेरे ब्लॉग में देखो आप, वहाँ पे उसका वो जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, और उसके माध्यम से आप फोन कर सकते हैं, फोन नंबर भी है उस पर, उनका होम स्टे है, आप आ सकते हैं यहाँ पे उनके घर पे, सारी चीज़ मतलब रहने खाने की व्यवस्था है, आप लोगों को वहाँ पे सारा घर का खाना मिलेगा, ताज़ा ताज़ा खाना, मनवे की रोटी और भेंजरे की चटनी होगी, और भेंजरे की बंजीरा की चटनी और हरी सब्जी, और क्या क्या मिलेगा, पहाड़ी दालें मिलेंगे। खास बात ये है, जूस मिलेगा, जूस अनार और अनार तो सब खाते हैं, बुरांस का बोलो ना, हमारे गांव में बुरांस का जूस, गिलाई का जूस मिलेगा, गिलाई का जूस मिलेगा, एक एक करके बोलो यार, आप बोलो गिलाई का जूस बनता है, लंगड़ा और बुरास तो यहाँ के फेमस है, और चीज तो बाजार में मिल जाते हैं, यहाँ के कड़ी भुजी भी मिलेगी, चंदरू मिलेगा, चंदरू कड़ी भुजी मिलेगा, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। दीदी बोल रही है यहाँ पे चंदर सिंह भी मिलेगा, आप कड़ी भुजी, चंदर सिंह मतलब एक सब्जी होती है गांव में, और मतलब ऊपर जंगलों में होती है, वो थोड़ा कड़वापन आता है उसमें, लेकिन वो बच्चों के लिए दवाई के काम भी बहुत आता है ना, आतंक बजा लू फोन ले दिया, कड़ी भुजी छोड़ना, मैंने बाकी सब खाना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और ये मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, दीदी ने तो कर रखा है मेरे चैनल सब्सक्राइबर, और ठीक है दीदी आप लोग मेरे वीडियो देखते रहे, और ठीक है आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और आगे जाऊंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करेबल, ये इन लोगों का कहना है, ठीक है, बाय। खाली लुका दे जुगा लो मेरे के गण मेरे वीडियो समझ जिन बोलो हां मतलब हां और क्या, देहरादून बढ़ी ने यहां वो से पुदगड़ी पटे पुटे थे अच्छा सी जो देहरादून में छत बनी।
और अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे बैठ के सारी रावत फैमिली यानी कि हमारे सारी फैमिली बैठ के है। तीन तो मेरी जेठोजी लोग हैं, दो मेरी भांजी लोग हैं जो सभी लोगों को पता है, और एक है मेरी यहाँ पे ननद जी, और एक देवरानी है, और एक है जिठानी जी, और बीच में बैठा रखा ये हमने ओको को। ओको खुला रहा है बुलबुले, सभी ओको की मस्ती देख रहे हैं, ओको खेल रहा है बुलबुले से। मैं बना रही हूँ वीडियो, और ये हमारा नाती ओको गाड़ी में करते हैं जरा सी ये दस ठीक रह के। और अभी यहाँ पे सभी लोग बैठ रहे हैं और की मस्ती देख रहे हैं, और थोड़ी देर में मंदिर का कार्यक्रम बैठते हैं यहाँ पर। आज सभी बहनें एक साथ हैं, चारों बहनें यानी कि जो मेरी जड़ ससुर लोग और ननद जी हैं, सब लोग एक साथ हैं। बाहर तो बहुत मैं सर आई अभी।